आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। आरपी भारत अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए एक खबर, अम्फान तूफान से उजड़ा लक्ष्मण का आशियाना शीर्षक को प्रमुखता से दिखाया था। खबर पर आरपी भारत के अभिषेक शांडिल्य नामक एक दर्शक ने मुख्यमंत्री झारखंड को आरपी भारत की इस खबर को टैग करते हुए पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी, जिस पर जमशेदपुर पुलिस प्रशासन ने त्वरित एक्शन लेते हुए लक्ष्मण को सहायता देने उसके घर पहुंचकर लक्ष्मण का हालचाल जाना और सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाकर उसका हौसला बढ़ाया। दर्शकों, आपको बता दें कि बीते दिनों अम्फान तूफान से जमशेदपुर के लक्ष्मण का कच्चा मकान पूरी तरह उजड़ गया था। प्रशासनिक सहयोग के बाद लक्ष्मण के परिवार को पक्का मकान में शिफ्ट करके उसे राहत पहुंचाई गई। दूसरे जगह शिफ्ट करने के बाद गांव के मुखिया और ग्राम प्रधान द्वारा तत्काल उन्हें चावल, दाल, आलू आदि की व्यवस्था कर दी गई। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि एक महीने के अंदर उनके आवास को तैयार और मरम्मती कर किया जाएगा। आपको बता दें कि अम्फान चक्रवात के बाद लक्ष्मण कर्मकार का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, टूटे हुए घर पर रहने को मजबूर था। इस परिवार के दुख दर्द को आरपी भारत द्वारा पीड़ित परिवार के दुख दर्द को प्रमुखता से दिखाया गया था। उसके बाद प्रशासनिक निरीक्षण के दौरान उन्हें तत्काल राहत पहुंचाई गई और जल्द से जल्द उसका मकान बनाकर देने की बात कही गई। जमशेदपुर से शिव शंकर साह की रिपोर्ट। जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है हमारा, है सारा पंचायत परिवार, कर्मकार परिवार का है, और हम लोग देखे घर क्षतिग्रस्त हुआ है और तत्काल राहत के लिए हमने जो पंचायत की तरफ से चावल, दाल और आपका आलू व्यवस्था कर दी है। और हमारा पंचायत में ही एक खाली घर है मोहम्मद चौधरी का, वहाँ दो महीना ठहरने के लिए हम लोग जगह भी दे चुके हैं। और आशा है विभाग की ओर से हम लोग सीओ साहब को लेटर दे चुके हैं और बीडीओ साहब को लेटर देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे और आशा है हम लोग एक दो महीना के अंदर में इनका घर बना के तैयार करके देना है। सबसे अभी सहायता पहुंचाएगा, चावल, दाल और आलू व्यवस्था किया गया है पंचायत तरफ से खाने के लिए। फिर घर एक तो दो तला बिल्डिंग में एक तो बमन चौधरी का घर है, उसी में व्यवस्था किया है रहने के लिए कुछ दिन के लिए, एक दो महीने के लिए, जब तक नहीं घर बन जाता है।